हेलो, गुड आफ्टरनून सभी को। एक बार लिंक शेयर कर दो सभी के साथ में। सभी के साथ में लिंक शेयर कर दो तो वीडियो सभी के पास में पहुंच जाए। आज हम बात करेंगे सीएचओ के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो सिलेबस में है, वो सारे के सारे टॉपिक अपन कवर करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। आ सकते हैं एग्जाम यार, आएंगे आएंगे वो एग्जाम में। सारा का सारा कम्युनिटी का पोर्शन दे रखा है वहां पर। उसके अलावा भी आपको देखना है, उसमें दे रखा है बेसिक ह्यूमन बॉडी और इमोशन से रिलेटेड भी, ओबीजी एंड पीडिया भी आपको सारी देखनी है। एक बार लिंक शेयर कर दो सभी, ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट हो सके। मैं भी कर देता हूँ यहाँ से। आपको पिछली क्लास कैसी लगी, एक बार कमेंट कर दो। सर जी कमेंट नहीं आ रही क्या? पिछली पिछली क्लास में ठीक है, ऐसी क्लास लेंगे आपकी सारी की सारी, जितने भी टीचर्स होंगे वो सारे के सारे। और सीएचओ में आपको लगाएंगे जरूर, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं हमसे सारे के सारे सीएचओ में लगेंगे। और सारे सीएचओ का सिलेबस सेम ही होगा, चाहे राजस्थान सीएचओ चाहे कोई और सीएचओ, सारे के सारे सीएचओ का सिलेबस सेम ही होगा, याद रखना। ओनली पंजाब सीएचओ का थोड़ा सा अलग होता है, बाकी यूपी एमपी जितने भी स्टेट है बाकी के सबका सिलेबस सेम ही होगा। सब कुछ पढ़ाएंगे, डोंट वरी सभी को। आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंट, लेवल ऑफ प्रिवेंशन से अपन स्टार्ट करेंगे। किससे करेंगे? लेवल ऑफ प्रिवेंशन से अपन स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीओचओ का जो भी पेपर दे रहे हो या सीओचओ के अलावा नॉर्थ स्टेट एग्जाम भी दे रहे हो, एम्स का एग्जाम भी दे रहे हो, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। यानी हर एग्जाम में इसका पूछा जाता है। अगर सीओचओ का दे रहे हो तो कंपल्सरी क्वेश्चन है यहाँ का, किसका? लेवल ऑफ प्रिवेंशन का। इसका कंपलसरी क्वेश्चन आएगा ही आएगा अगर सीएचओ का एग्जाम दे रहे हो तो, याद रखना। चाहे यूपी हो, चाहे एमपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कोई भी स्टेट हो, उत्तराखंड हो, सारे स्टेट में अगर एग्जाम ले रहा है तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन का क्वेश्चन बनता ही बनता है। फिर आपको अच्छे से याद रखना है, जो भी बताएंगे तो आपका क्वेश्चन वापिस कभी गलत नहीं होगा। लेवल ऑफ प्रिवेंशन से तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। प्रिवेंशन का मीनिंग क्या होता है और लेवल का मीनिंग क्या होता है, कोई बता सकता है? प्रिवेंशन का मीनिंग क्या होता है? प्रिवेंशन का मीनिंग क्या होता है ये बता दो मुझे एक बार। प्रिवेंशन करना है लेकिन किस प्रकार करेंगे? प्रिवेंशन का अर्थ होता है अगर कोई डिजीज है या नहीं है, उसके रिस्क फैक्टर भी है, या डिजीज है कोई भी, उसको कंट्रोल करना, रिस्क फैक्टर डेवलप नहीं होने देना या डिजीज नहीं होने देना, जो भी उसके फैक्टर्स है उसको कंट्रोल करना, डिजीज को इडिकेशन करना, इलिमिनेशन करना, और डिजीज के इम्पैक्ट को कम करना, इम्पैक्ट ऑफ डिजीज, इसको क्या करना? कम करना, यही कहलाता है प्रिवेंशन। और लेवल अलग अलग लेवल होंगे जिसके थ्रू अपन देखेंगे कि किस प्रकार अपन प्रिवेंशन कर सकते हैं। जैसे अलग अलग सीढ़ियां होती है ना ऊपर चढ़ने के लिए, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, वैसे इसमें प्रिवेंशन देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप अपन प्रिवेंशन किस प्रकार कर सकते हैं। इसके मेनली चार टाइप है। अगर लेवल ऑफ प्रिवेंशन के पूछे, लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अगर पूछे तो चार ही टाइप आपको करके आने हैं। कितने? चार टाइप करके आने हैं, ना कि पांच। एनसीबीआई की रिसर्च के अनुसार पांच टाइप है, एनसीबीआई की रिसर्च के अनुसार पांच टाइप है, लेकिन आपको चार टाइप ही करके आने हैं। चार टाइप पे ही आपको जोर देना है क्योंकि वही आपका मानेगा एग्जाम में, क्योंकि यही अपने बुक्स में होगा, क्योंकि जितने भी ऑथराइज बुक होगी उसमें चार टाइप ऑफ प्रिवेंशन दे रखा है। फिफ्थ टाइप ऑफ प्रिवेंशन, फिफ्थ टाइप ऑफ प्रिवेंशन अभी नहीं दे रखा, एनसीबीआई रिसर्च के अनुसार तो है, जो कि पहले ही हो चुकी है उसके अनुसार है, लेकिन अभी अपन को चार लेवल ऑफ प्रिवेंशन ही याद रखना है। फिफ्थ टाइप ऑफ प्रिवेंशन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रिमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। क्या करते हैं? प्रिमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। क्या होता है प्रिमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन? ये नया कॉन्सेप्ट था,
प्रिवेंशन में पहले तीन ही थे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, उसके बाद में जोड़ा गया प्रिमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। और अभी एनसीबीआई की रिसर्च के अनुसार क्वार्टनरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन भी एड है, लेकिन वो अपन बाद में देखेंगे। अपन को मेनली चार लेवल ऑफ प्रिवेंशन ही देखने। सबसे प्रिमोडियल, प्रिमोडियल याद रखना, प्रिमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन सबसे पहले बेसिक लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, ना कोई रिस्क फैक्टर है, ना कोई डिजीज है, कुछ भी नहीं। तब अपन प्रिवेंट क्या करेंगे, तब अपन को क्या प्रिवेंट करना है, रिस्क फैक्टर डेवलप होने से रोकने, जितने भी रिस्क फैक्टर हैं उनको डेवलप होने से रोकने, रिस्क फैक्टर डेवलप होने से रोकने। वो किस प्रकार रोक सकते हैं, जैसे रिस्क फैक्टर का मीनिंग क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं रिस्क फैक्टर का मीनिंग क्या होता है। ऐसे फैक्टर, ऐसे फैक्टर जो आगे जाके क्या करेंगे, कॉज करेंगे, कॉज करेंगे किस चीज का, डिजीज का, यानी ऐसे फैक्टर जो लंबे समय यूज करने से बाद में आगे जाके क्या करेंगे, कॉज करेंगे डिजीज होने का, यानी डिजीज हो सकती है आगे जाके, कॉज कर देंगे डिजीज। रिस्क फैक्टर जैसे एल्कोहल, टोबेको, स्मोकिंग, ये सारे रिस्क फैक्टर है, इनका लंबे समय यूज करने से आगे जाके डिजीज प्रोड्यूस हो सकती है। जैसे एल्कोहल से क्या हो सकता है, लीवर सिरोसिस हो सकता है, लीवर सिरोसिस हो सकता है। टोबेको से क्या हो सकता है, माउथ कैंसर हो सकता है, माउथ कैंसर हो सकता है। और स्मोकिंग से क्या होगा, लंग कैंसर भी हो सकता है। और मेनली प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन किस पे वर्क करता है, यह क्रोनिक डिजीज पे ही वर्क करता है, मेनली क्रोनिक डिजीज पे वर्क करता है। पहली लाइन ये लिख लो, इंपॉर्टेंट है, पहले तो यह है, रिस्क फैक्टर डेवलप होने से अपन को प्रिवेंट करना है। क्या करना है, रिस्क फैक्टर डेवलप होने से अपन को प्रिवेंट करना है, इनको डेवलप ही नहीं होने देना, क्योंकि इनका यूज ही नहीं करने देना स्टार्ट से ही। यही अपना वर्क है प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। किसके लिए यूज होगा, क्रोनिक डिजीज के लिए। लंबे समय तक अगर कोई यूज करता है उसके कारण क्रोनिक डिजीज हो सकती है, तो अपन को इनका यूज ही नहीं करने देना, जिससे अपन क्या, क्रोनिक डिजीज होने से अपन रोक सकते हैं। और ये बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, अंडरलाइन कर लो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को, ऐसे के ऐसे अंडरलाइन कर लो। क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन बेस्ट लेवल है उसका, जो प्रिवेंट कर सकता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को, किसको प्रिवेंट कर सकता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट कर सकता है, तो कौन सा आएगा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आएगा। क्या आएगा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इसको अंडरलाइन कर लो ऐसे के ऐसे ही। हाँ, ओबेसिटी भी हो सकती है, हाइपरटेंशन भी हो सकती है, ये क्या, क्रोनिक डिजीज है जो आगे जाके रिस्क फैक्टर के कारण हो सकती है, लेकिन अपन को उन रिस्क फैक्टर को रोकना है। लिपिड, फैटी डाइट या ऑयली चीजें नहीं खाए जिससे ओबेसिटी नहीं हो, क्रोनिक डिजीज नहीं हो, वही अपन को करना है। वो चीजें अपन जो रिस्क फैक्टर है उसको ही अपन को रोकना है, डेवलप नहीं होने देना बिल्कुल भी। ये क्रोनिक डिजीज के लिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। किसके लिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या किया जाता है, इसमें लाइफ स्टाइल बनाई जाती है, क्या अडॉप्ट करवाई जाती है, लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करवाई जाती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना मैं अभी क्या बता रहा हूं, लाइफ स्टाइल अडॉप्शन हो रहा है यहाँ पे, मॉडिफिकेशन कुछ और चीजें नहीं हो रहा, याद रखना, उसका चेंजिंग नहीं हो रहा, क्या चेंज नहीं हो रही लाइफ स्टाइल, उसको शुरू से ही क्या गुड हैबिट डालेंगे और बैड हैबिट को रोकेंगे, बैड हैबिट होने से रोकेंगे। जैसे उसके सामने एल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग जैसी बातें नहीं करेंगे, ये इनका यूज नहीं करेंगे, बैड हैबिट होने से रोकेंगे, उसको अच्छे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, क्या करेंगे, अच्छे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिशन, हेल्थी डाइट, एक्सरसाइज, इन चीजों के बारे में शुरू से ही इसको डेवलप करेंगे, यानी लाइफ स्टाइल अडोप्ट करवानी है। याद रखना किसमें लाइफ स्टाइल अडोप्ट आती है और किसमें लाइफ स्टाइल चेंज होती है, वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अपन को देखना है। इसमें क्या करें, लाइफ स्टाइल अडोप्ट करवा से कैसे, न्यूट्रिशन, हेल्थी डाइट, एक्सरसाइज के थ्रू अपन करा सकते हैं। इसमें किस प्रकार मोड ऑफ इंटरवेंशन होता है, मोड ऑफ इंटरवेंशन किस प्रकार होगा, इसको मिटा देता हूं मैं जल्दी से। इसमें क्या किया जाता है, एक तो इंडिविजुअल एजुकेशन दी जाती है,
याद रखना, एजुकेशन बोल रहा हूँ यहाँ पे, हेल्थ एजुकेशन नहीं बोल रहा। हेल्थ एजुकेशन किसी और के लिए यूज होगा, जो आगे डिस्कस करेंगे अपन, अभी अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ये इंडिविजुअल एजुकेशन दी जाती है ना, पर्टिकुलर पर्सन को एजुकेशन किया जाता है। दूसरा मास एजुकेशन, मास एजुकेशन दी जाती है, ग्रुप ऑफ पीपल को समझाया जाता है कि आपको यह डाइट लेनी है, आपको इस प्रकार एक्सरसाइज किया जाता है। क्या किया जाता है? इस प्रकार एक्सरसाइज किया जाता है, इंडिविजुअल एजुकेशन दी जाती है। मेन फोकस ऑन चाइल्ड, हाँ सही बात है, चाइल्ड पे मेन फोकस होगा, क्योंकि वही शुरू से ही स्टार्ट होगा, यानी बच्चा हुआ उसके बाद में उसको हैबिट बनाना है। अपन को क्या करना है? हैबिट बनानी है, क्या गुड हैबिट बनानी है और बैड हैबिट से दूर रखना है। बैड हैबिट अपन को क्या है? डिस्करेज करनी है, डिस्करेज करनी है, और गुड हैबिट का अपन डेवलप करवाना है चाइल्ड में। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म चलेगा ये, क्या चलेगा? लॉन्ग टर्म, जिससे क्या हो सकता है? प्रिवेंट किसको हो सकता है? क्रोनिक डिजीज होने से प्रिवेंट हो सकता है। ये लेवल ऑफ प्रिवेंशन आ गया, प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन अपना कंप्लीट हुआ। क्या हुआ? प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन अपना कंप्लीट हुआ। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन भी बोल सकते हैं, याद रखना इसमें मॉडिफिकेशन है या अडॉप्शन है, अडॉप्शन है, यानी अडॉप्ट करवा रहे हैं इसको। लॉन्ग टर्म तक 10 से 12 साल हो गए तब तक उसका गुड बिहेवियर बनाए रख रहे हैं अपन, लगातार इसमें चेंज नहीं कर रहे हैं। एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर अपन को बनाना है, क्या बनाना है? पैटर्न ऑफ बिहेवियर बनाना है, पैटर्न ऑफ बिहेवियर अपन को बनाना है उसकी लाइफ स्टाइल में, याद रखना। अभी देखना सेकंड में क्या आ रहा है, इसमें क्या कर रहे हैं? लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन या अडोप्ट करवा रहे हैं उसको। तो क्वेश्चन में अगर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन अडोप्शन आ रहा है, यानी पैटर्न ऑफ बिहेवियर उसको बना रहे हैं गुड, तो किसमें आएगा? प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा। किसमें आएगा? प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा। वही बात करें दूसरा, दूसरी बात करें, क्या बात करें अपन? प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन की, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन कोई बता सकता है? प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन किस प्रकार किया जाता है? जिसको भी आता बता सकता है, जल्दी से आंसर दो, किस प्रकार किया जाएगा प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन? मतलब क्या होता, मीनिंग क्या होता वो बता दो पहले, मीनिंग बता दो। हेल्थ एजुकेशन तो ठीक है, इम्यूनाइजेशन ठीक है, वो उसके कॉन्सेप्ट में आ जाएंगे सारे के सारे। इसका मीनिंग क्या होता है प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में? बेसिक चीज अपन को याद रखना है, एक्शन टेकन पीरियड टू डिजीज अकर। ठीक है विनय जी, सही है आपका आंसर। और क्या होता, किसी को बताए? किसी को भी बताओ तो बता सकते हो। डिजीज होने के बाद में नहीं है, डिजीज होने के पहले है। ये क्या है? डिजीज होने के पहले है, इसमें डिजीज नहीं है। उसमें प्रीमोडियल में क्या था? अपना रिस्क फैक्टर तो नहीं था उसमें, और इसमें क्या होगा? रिस्क फैक्टर रहेगा। रिस्क फैक्टर क्या रहेगा? एल्कोहल यूज कर रहा है या तो वो, या वो स्मोकिंग कर रहा है, नहीं तो वो टोबैको खा रहा है। ऐसे रिस्क फैक्टर जो कि डेवलप करते हैं डिजीज को, वो इसमें डेवलप है, रिस्क फैक्टर डेवलप है। लेकिन इसमें क्या है? डिजीज, डिजीज अपना नहीं है, नो डिजीज, डिजीज नहीं है, डेवलप नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में? ये डिजीज होने से पहले का जो एक्शन लिया जाता है वो है, यानी इसमें क्या लिया जाता है? एक्शन लिया जाता है डिजीज अकरेंस से पहले। ये क्या? डिजीज को नहीं होने देना प्रीमोडियल लेवल प्रिवेंशन में, रिस्क फैक्टर नहीं होने देना। इसमें क्या? डिजीज को नहीं होने देना अपन को, डिजीज अकरेंस प्रिवेंशन करना है अपन को, इसी चीज का प्रिवेंशन करना है इस टॉपिक में। यानी प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में अपन को क्या करना है? डिजीज को नहीं होने देना। जो रिस्क फैक्टर यूज कर रहे हैं उसको क्या करना है? बाद में चेंज करवाना है अपन को, चेंजेस लाने हैं इनमें, इनको बदलना। ये हो गई बैड हैबिट, इनकी बैड हैबिट भी बोल सकते हैं ना इसको, बैड हैबिट। अब इसको चेंज करके किस में करेंगे? गुड हैबिट में डालेंगे, गुड हैबिट में डालेंगे। तो इसके लिए हेल्थ एजुकेशन जरूरी है कि किस प्रकार कन्वर्ट कर सकते हैं उनको, ये अपन को देखना है।
स्मोकिंग कर रहा है तो उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे? ये देखो स्मोकिंग कर रहा है उसको उस चीज के ना बताएंगे कि आगे जाके क्या डिजीज प्रोड्यूस होगी, यानी उसको स्मोकिंग करने से रोकने है इसके है ना जो भी जो हानिकारक तत्व है, हानिकारक फैक्ट है, उस चीज के बारे में बताएंगे जिससे वो उसको स्मोकिंग को स्टॉप कर सके, आगे जाके डिजीज हो सके उसके, मतलब डिजीज वाले पेशेंट से मिला दो या तो, या हेल्थ एजुकेशन दे दो, या किसी प्रकार उसको स्मोकिंग करने से अपन को रोकना है। वही यानी बैड हैबिट को अपन को गुड हैबिट में चेंज करना है, यानी इसमें क्या आ रहा है, लाइफ स्टाइल चेंज आ रहा है। अगर क्वेश्चन में पूछ ले लाइफ स्टाइल चेंज आ रहा है तो कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा। किसमें आएगा, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा। मेरा नेट चलो, कोई नहीं बाद में ले लेना, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी ये क्लास, आप बाद में ले रहे हो लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी यहाँ पे, फिर यहाँ से डिलीट कर दी जाएगी। जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट है उनके लिए अवेलेबल है ये क्लासेस। बट सर आई आस्क यू, प्राइमरी लेवल, प्राइमरी लेवल यही है। प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या होता है, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है, एल्कोहल स्मोकिंग टोबैको रहता है वो यूज कर रहा है, उसी यूज को अपन को क्या करना है, रोकना है, उसको गुड हैबिट में बदलना है, यानी उनको कहना कि ये यूज नहीं करे, वही अपन को बताना है, एजुकेशन देनी है। वो यहाँ पे एजुकेशन क्या कहलाएगी, हेल्थ एजुकेशन ही कहलाएगी। अगर वो चेंज हो गया तो डिजीज नहीं होगी, अगर चेंज नहीं हुआ आपके कहने पे भी नहीं, दोनों लेवल ऑफ में लाइफ स्टाइल चेंज नहीं होगी। मैंने कब कहा लाइफ स्टाइल चेंज होगी, तभी तो मैंने वहां पे क्या कहा था, प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या होता है, अडॉप्शन, अडॉप्ट करवा रहे हैं, यानी पहले से कोई लाइफ स्टाइल बनी हुई नहीं है, उसकी लाइफ स्टाइल अपन को अडॉप्ट करवानी है, न्यू लाइफ स्टाइल बनानी है, ना कि चेंज करनी है, मॉडिफिकेशन जो कि 10 से 12 साल तक चल सकती है। अच्छी लाइफ स्टाइल के बारे में बताएंगे तो अपने आप उसी स्टार्ट में करेंगे। अगर चाइल्ड है तो चाइल्ड शुरू से स्मोकिंग थोड़ी करता है, एल्कोहल थोड़ी करता है, तो उस चीज के बारे में अपन को बताना है, क्यों नहीं करनी, बैड हैबिट है तो बैड हैबिट को डिस्करेज करेंगे और गुड हैबिट को बनाए रखेंगे, यानी एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर बनाना है अपन को शुरू से ही, उसमें अडॉप्शन है। यार इसमें क्या चेंज हो रहा है, अगर वो यूज कर रहा है तो उसको चेंज करवाना है, उसको क्या करवाना है, चेंज करवाना है। तो याद रखना दोनों में डिफरेंट बता दो, किस में बताऊं, अभी तो बताया था उसमें अडॉप्शन हो रहा है, इसमें चेंज हो रहा है, उसमें वो ये चीजें यूज नहीं कर रहा, रिस्क फैक्टर ही नहीं है उसमें, और इसमें रिस्क फैक्टर है, यानी यूज कर रहा है तो यूज कर रहा है उसको चेंज कराना है, और उसमें डायरेक्ट बताना है कि गुड हैबिट अपन को लेनी है, यही डिफरेंस है इसमें प्रिमोडियल और प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। तो इसमें क्या होगा, लाइफ स्टाइल चेंज होगी, क्या होगी, लाइफ स्टाइल चेंज होगी, और ये नॉन कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल क्रोनिक एक्यूट डिजीज सभी के लिए सेम होगा, सभी के लिए यूज हो सकता है, ये कम्युनिकेबल के लिए भी यूज हो सकता है, नॉन कम्युनिकेबल के लिए भी, क्रोनिक के लिए भी, और एक्यूट कंडीशन के लिए भी, एक्यूट कंडीशन के लिए भी ये यूज हो सकता है। और इसमें याद रखना दो वर्ड होते हैं, एक होता है इंसिडेंस, एक होता है प्रिवलेंस। आप किसी को पता है मीनिंग बता दो एक बार मुझे, इंसिडेंस की मीनिंग क्या होता है, प्रिवलेंस का अर्थ क्या होता है, जल्दी से बताओ इंसिडेंस का अर्थ क्या होता है, हाँ सही है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर रहे हैं प्रीमोडियल में और प्राइमरी में लाइफ स्टाइल चेंज कर रहे हैं, सही है विनय जी। इंसिडेंस मींस न्यू केस, और प्रीवलेंस मींस क्या होता है, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी आंसर दो, टॉपिक कंप्लीट करना है अपन को। प्रीवलेंस न्यू केस, विनय जी प्रीवलेंस न्यू केस ऑफ डिजीज नहीं होता, न्यू प्लस ओल्ड केस होता है प्रीवलेंस का अर्थ, क्या होता है, न्यू प्लस ओल्ड केस होता है, इंसिडेंस यानी न्यू केस, यानी उसमें डिजीज डेवलप नहीं है लेकिन अब डेवलप हो सकती है, इंसिडेंस का अर्थ। और प्रीवलेंस का अर्थ क्या होता है, न्यू प्लस ओल्ड केस, दोनों केस। तो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में कौन सा आएगा, आप बता सकते हो कि प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन में कौन सा आएगा, फर्स्ट या सेकेंड, इंसिडेंस आएगा या प्रीवलेंस आएगा अपना, जल्दी से बताओ प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या आएगा,
जल्दी से आंसर दो, फिर मैं बता दूंगा राइट आंसर किस प्रकार आएगा। जो भी हो, जितना भी हो, आंसर दे सकते हो सारे के सारे। इतने जने हो आप, सारे के सारे ऑनलाइन हो, सभी आंसर दो। तो मैं बता देता हूं, काफी लोगों का रॉन्ग आंसर है, काफी लोगों का राइट आंसर है, काफी लोगों का रॉन्ग आंसर है, काफी लोगों का राइट आंसर है। तो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या आएगा, किसको प्रिवेंट करेंगे? इंसिडेंस को, इंसिडेंस को प्रिवेंशन करेंगे, क्योंकि वहां डिजीज, न्यू डिजीज मान लो तो उसको न्यू डिजीज होने से अपन को क्या करना है, रोकना है। इंसिडेंस यानी न्यू डिजीज, तो इसको ही अपन को प्रिवेंट करना है, इसको ही अपन को प्रिवेंट करना है, इस डिजीज को होने से रोकना है, नई डिजीज को। अब प्रिवेलेंस में क्या अर्थ होता है, प्रिवेलेंस में क्या, न्यू यानी अभी न्यू बन सकती है, उसको तो रोक सकते हैं, लेकिन उसमें ऑलरेडी ओल्ड डिजीज है, ओल्ड डिजीज है यानी डिजीज डेवलप है उसमें, तो इसको किस प्रकार प्रिवेंट कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें डिजीज डेवलप है। इसमें तो अपन को न्यू केस को अपन रोक सकते हैं डेवलप होने से, इसमें प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में, और प्रिवेलेंस में न्यू प्लस ओल्ड केस दोनों है, यानी ओल्ड केस पहले से है तो उसको क्या करना है, ओल्ड केस है यानी डिजीज है, पुरानी डिजीज है, इसको तो रोक लेंगे अपन न्यू को, पर पुरानी डिजीज को कैसे रोकेंगे? फिर उसका ट्रीटमेंट चलेगा, उसको कम करेंगे, या तो रिकवरी होगा उसका या ट्रीटमेंट चलेगा। अगर रिकवरी और ट्रीटमेंट होगा तो किस में आएगा, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा। किस में आएगा? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। सोम प्रभा जी, आपका राइट आंसर है, प्रिवेलेंस सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा। तो ठीक है, ये इतना देख लिया, अब इसके कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं अपन। इंपॉर्टेंट लाइनें ऐसी की ऐसी मिल सकती है आपको एग्जाम में, सीओ के एग्जाम में, और अदर एग्जाम भी दे रहे हो तो उसमें भी मिल सकती है, क्योंकि ये लेवल ऑफ प्रिवेंशन हर एग्जाम में लगभग लगभग पूछा जाता है। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गए, कितने भी एग्जाम हो, सब में पूछा जाता है। अपन क्या देख रहे हैं, इसके कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट, उसको पॉजिटिव हेल्थ के बारे में बताएंगे, पॉजिटिव हेल्थ के बारे में बताएंगे, प्रमोशन करेंगे इसका, हेल्थ का, हेल्थ का प्रमोशन करेंगे, और स्पेसिफिक प्रिवेंशन, याद रखना इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक प्रिवेंशन, ये तीनों का तीनों इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पे भी मिल जाए आपको पॉजिटिव हेल्थ, हेल्थ प्रमोशन या स्पेसिफिक प्रिवेंशन वर्ड मिल जाए, तो वो डायरेक्ट आपको कहां लेके जाएगा, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में लेके जाएगा। कहां लेके जाएगा? प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में लेके जाएगा। अब इनमें किस प्रकार अपन करेंगे, पॉजिटिव हेल्थ, पॉजिटिव हेल्थ किस प्रकार बढ़ा सकते हैं? जैसे वो रिस्क फैक्टर यूज कर रहा है, अपन ने देखा था रिस्क फैक्टर, उसको पॉजिटिवनेस बतानी है हेल्थ की, यानी उसको और वेलनेस पे लेके जाना है। हेल्थ ही है मान लो, रिस्क फैक्टर भी यूज कर रहा है, लेकिन उसको वेलनेस पे लेके जाना है अपन को, यानी पॉजिटिव लेवल पे लेके जाना है, ना कि उसको हेल्थ को कम करके इलनेस लेवल पे लेके जाना है, इलनेस लेवल पे नहीं लेके जाना। अपन को क्या करना है, उसका प्रमोशन करना है, और उसको एक्सरसाइज के बारे में बताना है, न्यूट्रिशन, स्पेसिफिक न्यूट्रिशन के बारे में बताना है, उस चीज के बारे में बताएंगे तो पॉजिटिवनेस ऑफ हेल्थ अपने आ जाएगी। दूसरा अपना प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रमोशन ऑफ हेल्थ अपन किस प्रकार कर सकते हैं वो देख लीजिए। पहले अपन ने बताया था, फर्स्ट ही अपन ने बताया था, क्या बताया था, लाइफ स्टाइल चेंज एंड बिहेवियर चेंज, बिहेवियर चेंजेस इसमें आएगा, लाइफ स्टाइल एंड बिहेवियर चेंजेस किस में आएगा, प्रमोशन ऑफ हेल्थ में आएगा। उसके अलावा क्या आएगा, उसके अलावा क्या आएगा इसमें, जल्दी से बता दो, अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक हेल्थ एजुकेशन, जहां पे भी वर्ड मिले हेल्थ एजुकेशन। वैसे लेवल ऑफ प्रिवेंशन की बात करें तो सब में एजुकेशन दी जाती है और हेल्थ के रिगार्डिंग ही दी जाती है, लेकिन अपन को क्या ध्यान रखना है कि अगर हेल्थ एजुकेशन वर्ड आए तो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा। किसमें आएगा? प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा। किसमें आएगा? प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा। आइसोलेशन भी बताऊंगा किसमें आएगा, क्वारंटाइन भी बताऊंगा किसमें आएगा। ओम प्रकाश जी थोड़ा सा वेट कर लो, सब बताऊंगा।
सारे डाउट क्लियर होंगे आज यहाँ पे। मुझे आप बता दो पहले आइसोलेशन और क्वारंटाइन का अर्थ क्या होता है, मीनिंग बता दो, ये बता दो मुझे मीनिंग बता दो पहले, आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन का अर्थ क्या होता है। आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन का मीनिंग क्या होता है आप बता दो, क्वारंटाइन का फर्स्ट बता दो, क्वारंटाइन का मीनिंग क्या होता है, फिर मैं आपको बता दूंगा कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएंगे, जल्दी से बताओ। आज सारे जितने भी कंफ्यूजिंग इससे रिलेटेड आपको है टॉपिक वो कवर करेंगे। आइसोलेशन इंफेक्टेड पर्सन का होता है, सुचित्रा जी सही है ठीक है, सेपरेट करते हैं, दोनों में रखा जाता है सेपरेट, आइसोलेशन क्वारंटाइन दोनों में रखा जाता है। और क्वारंटाइन का मीनिंग बताओ, कॉन्टेक्ट पर्सन का होता है, चलो ठीक है अब मैं बता देता हूं किस प्रकार होगा आइसोलेशन क्वारंटाइन। क्वारंटाइन में क्या करते हैं, ऊपर लिख देता हूं थोड़ा, या तो इधर लिख देता हूं, इधर दिख तो रहा है ना, क्वारंटाइन में क्या करते हैं और आइसोलेशन में क्या करते हैं, क्वारंटाइन में क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन रखेंगे कब तक रखेंगे, जब तक वो मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड तक नहीं पहुंच जाए, तब तक। राइट आंसर है विनय जी आपका, क्वारंटाइन मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड सही है, मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड तक नहीं पहुंच जाए तब तक उसका क्या करेंगे, क्वारंटाइन रखेंगे। यानी इंक्यूबेशन का अर्थ क्या होता है, कोई बता सकता है इंक्यूबेशन का अर्थ क्या होता है, जब फर्स्ट साइन सिम्टम डेवलप होना स्टार्ट करे तब क्या होता है, फर्स्ट साइन सिम्टम डेवलप होना स्टार्ट करे तब, जैसे कोविड 19 का ले लो, मोस्टली मैं इसी का उदाहरण देता हूं क्योंकि अभी रिलेटेड है डिजीज, अभी पूछी जा सकती है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 14 दिन है, ये हो गया मिनिमम इसका इंक्यूबेशन पीरियड, ये हो गया मैक्सिमम 14 डे, तो अपन को कब तक रखना है, 14 डे तक उसको रेस्ट्रिक्शन रखना है, क्योंकि वो कॉन्टेक्ट में आया हुआ है, वो रिस्क फैक्टर है एक तरह से, रिस्क फैक्टर के, ये क्या है, रिस्क फैक्टर है एक तरह से, इसको रिस्क फैक्टर तब तक मानेंगे 14 डे तक मानेंगे इसको, 14 दिन तक, क्योंकि ये है ना क्या, कोविड पेशेंट के कॉन्टेक्ट में आया हुआ है, तो ये इंक्यूबेशन पीरियड तक आता है, ये हो गया इसका मीनिंग। अब आइसोलेशन का मीनिंग क्या होता है, किसी को पता आइसोलेशन का मीनिंग क्या होता है, टिल मैक्सिमम रिकवरी पीरियड, जब तक कि वो पूरी तरह से रिकवरी नहीं कर ले, क्वारंटाइन सस्पेक्टेड मान सकते हो आप, रिस्क फैक्टर मान सकते हो, उसमें क्यों है मान सकते हो, डिजीज ये नहीं क्या कंफर्मेशन कह सकते कि उसमें डिजीज है, तो उसको क्या कहेंगे, रिस्क फैक्टर मान सकते हो, मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड तक उसको रेस्ट्रिक्शन रखना है, इसको कब तक रखना है, जब तक वो रिकवरी नहीं कर ले, फुली ट्रीटमेंट नहीं हो जाए तब तक उसको आइसोलेशन करना है। अब देख लेते क्वारंटाइन इंक्यूबेशन पीरियड तक है, यानी उसमें डिजीज डेवलप नहीं है, अगर वर्ड आपको डायरेक्ट मिलता है आइसोलेशन वर्ड किसमें आएगा, क्वारंटाइन वर्ड किसमें आएगा, तो आपका डायरेक्ट आंसर होना चाहिए क्वारंटाइन किसमें आएगा, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा, और आइसोलेशन सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा, किसमें आएगा, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में, क्योंकि उसमें डिजीज है उसको अपन कर रहे हैं क्या, आइसोलेट। अगर क्वेश्चन में यह भी पूछा जाए याद रखना, अगर डायरेक्ट वर्ड आए आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन, तो क्वारंटाइन प्राइमरी और आइसोलेशन क्या आएगा, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। लेकिन क्वेश्चन अगर घुमा के आपको दे दे कि आइसोलेट कर रहे हैं किसी हेल्थी पर्सन से, यानी जैसे मैं हेल्थी पर्सन हूं, कोई मेरे से आइसोलेट हो रहा है, कोविड 19 का पेशेंट है, यानी तो मेरे क्या हो गया, वो खत्म हो गया, रिस्क फैक्टर खत्म हो गया, वो डिजीज उधर चली गई, यानी मेरे है ना वो डेवलप नहीं होगी बाद में, मेरे डेवलप नहीं होगी वो बाद में डिजीज, इसलिए अपन कर रहे हैं आइसोलेशन। दो वजह हो सकती है, या तो उसकी रिकवरी के लिए भी होता है, अगर डायरेक्ट वर्ड दे रहा है रिकवरी के लिए तो वो आएगा सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में, अगर वो कह रहा है कि हेल्थी इंडिविजुअल से कर रहे हैं आइसोलेशन, ताकि अगर आगे क्वेश्चन में देख रहे हैं स्प्रेड ना हो सके डिजीज स्प्रेड ना हो सके, उसको रोकने के लिए वो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा। याद रखना क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। हाँ तो ऋषिकेश एम्स ने तो आइसोलेशन को प्राइमरी लेवल माना था, तो बता सकता है ऋषिकेश लेवल के उसका क्या क्वेश्चन पेपर आंसर की आई थी क्या, तो आप कैसे कह सकते हो कि उसको प्राइमरी या सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में माना है ओम प्रकाश जी,
वर्ड को ध्यान रखो, आइसोलेशन डायरेक्ट आ गया तो वो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में, लेकिन अगर वो पूछ लिया गया स्प्रेड डिजीज स्प्रेड होने से रोकना है, हेल्थी इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट आ रहे उसको रोकना है, तो वो किस में आएगा, वो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा। क्वेश्चन का वे देखना है कि किस प्रकार पूछा गया है आपको। डीसी केस की कोई आंसर की नहीं आई, ना दिल्ली एम्स की आंसर की आई। अगर कोई कहता है कि ये राइट आंसर है, ऑथराइज बुक में अगर लिखा हुआ तो ही मानो, अगर नहीं लिखा हुआ तो नहीं है, तो ऐसे आंसर की बहुत आएगी आपके पास में। ओके, क्लियर हुआ ये चीज? तो फिर आगे अपन स्पेसिफिक प्रिवेंशन देखेंगे अपना। टारगेट हाई में बहुत सारे क्वेश्चन गलत है, टारगेट हाई नहीं, जरूरी नहीं है उसमें, है ना, बहुत सारी गाइड है उनमें क्वेश्चन गलत रहते हैं, गाइड रहते हैं ना उसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत रहते हैं आंसर, क्योंकि आंसर की दे नहीं रखी होती, तो अपने मन से या किसी लेवल ऑफ पर्सन से बनाते हैं, तो उनका भी गलत हो सकता है। अगर कोई एग्जाम में टॉप करे, मान लो एम्स में टॉप कर रहा है, तो आपको क्या पता उसके भी 20-30% क्वेश्चन गलत होते हैं। वो 190 क्वेश्चन करके आता तब उसके 151 नंबर आते हैं, यानी 30 क्वेश्चन तो उसके भी गलत है। जब तक ऑथराइज्ड आंसर की नहीं आए तब तक अपन नहीं मान सकते, ऑथराइज्ड बुक ही अपन को देखना है। ऑथराइज्ड बुक क्या है इसके लिए? एक तो के पार्क हो गई, कौन सी हो गई? के पार्क कम्युनिटी के लिए, के पार्क बहुत बड़ी है, उसको शॉर्ट रिव्यू में यहीं पे कर रहा हूं इसीलिए तो। और दूसरी हो गई विवेक जैन बुक, हो गई विवेक जैन की बुक हो गई, उसका शॉर्ट रिव्यू में इसीलिए यहां पर कर रहा हूं। ऑथराइज बुक को देखते हुए सारे के सारे जितने भी डाउट है, जितने भी आपकी क्लियरेंस है इस टॉपिक से रिलेटेड कंफ्यूजन है, वो सारे क्लियर होंगे। समझ में आया ना अभी तक? क्वारंटाइन आइसोलेशन किस प्रकार अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आ गया ना समझ में? ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा, क्योंकि उसमें स्क्रीनिंग की जा रही है। खुशबू जी, जो भी स्क्रीनिंग से रिलेटेड वर्ड आ गया, स्क्रीनिंग जांच टेस्ट कुछ भी वर्ड आ रहा है, वो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आ रहा है। लेकिन उसमें भी डिपेंड होता है तो किस प्रकार कर रहे हैं, वो भी आपको देखना है, वो मैं बता दूंगा आपको किस प्रकार होगा, उसका भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपको बताऊंगा। ये इतना समझ में आ गया ना? सभी के समझ में आ गया ना? सर इसे ड्रैग करवाना, सब कुछ कराएंगे, डोंट वरी। जो सीएचओ से रिलेटेड जितने भी है क्वेश्चंस आपके सारे के सारे क्लियर कराएंगे अपन, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो अपन कहा थे? प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में थे, पॉजिटिव हेल्थ प्रमोशन हेल्थ स्पेसिफिक प्रिवेंशन। और आपको क्वेश्चन भी अच्छे से देखना है, अगर कोई दिल्ली एम्स का एग्जाम दे रहा है अभी, तो एक चीज है मैं बता देता हूँ, अच्छे से आपको क्वेश्चन पढ़ना है। वहां पे छोटे छोटे वर्ड दिए होते हो, क्योंकि जैसे कई बार एडवांस सीपीआर पूछ लेते हैं, कई बार सीपीआर दे देते हैं, तो एडवांस वर्ड को भूल जाते हैं, तो उसमें एयरवे अलग होता है, सीपीआर में एयरवे अलग होते हैं। वो आपको माला सर अच्छी तरह बता देंगे कि किस प्रकार देखना है अपन को, एक एक वर्ड और ध्यान पूर्वक एग्जाम देना है। सीएचओ के एग्जाम में भी बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्या होता है, क्वारंटाइन स्टेट से प्रिवेंट करता है। सही है, प्रिवेंशन से कब करता है, क्योंकि उसको रेस्ट्रिक्शन रख रहे हैं अपन पहले से ही, और प्रिवेंशन उसमें खुद में अभी पता नहीं कि वो है या नहीं है, उसको रिस्क फैक्टर मान रहे हैं क्वारंटाइन में, उसमें डिजीज नहीं है। जब तक उसका टेस्ट नहीं हो तब तक उसको नहीं मान सकते कि उसमें डिजीज है। जब पॉजिटिव आएगा तभी मानना है। ऐसे क्वारंटाइन बहुत लोग हो रखे हैं, जैसे कोई भी एयरपोर्ट इंटरनेशनल फ्लाइट से आया तो उसको क्या किया, क्वारंटाइन किया, सारे जितने भी आए उनको क्वारंटाइन किया गया, रेस्ट्रिक्शन रखा गया। कहां पे रखा गया? होम पे। और एक चीज याद रखना, क्वारंटाइन होम पे होता है, घर पे हो सकता है, मेनली हॉस्पिटल में भी हो सकता है, लेकिन आइसोलेशन अभी के सिचुएशन के अनुसार बेड कम होंगे इसलिए वो घर पे आइसोलेशन कर रहे हैं। लेकिन आइसोलेशन कहां पे होता है? हॉस्पिटल में होता है। कहां होता है? हॉस्पिटल में। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, मेनली आइसोलेशन कहां होता है? हॉस्पिटल में।
अब अपना देख लेते हैं अगला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं अपन कौन कौन से कॉन्सेप्ट देखे थे। कॉन्सेप्ट देख लिए थे पॉजिटिव हेल्थ देख लिया था, पॉजिटिव हेल्थ देख लिया था, दूसरा क्या देखा था अपने प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, और तीसरा क्या देखा था अपने स्पेसिफिक प्रिवेंशन। इसमें हेल्थ एजुकेशन लाइफस्टाइल चेंज हो रही है वो भी देख लिया, न्यूट्रिशन स्पेसिफिक न्यूट्रिशन कुछ दे रहे हैं तभी भी देख लिया, इंटरवेंशन स्पेसिफिक प्रिवेंशन किस प्रकार होगा उसके कौन कौन से चीजें अपन देख सकते हैं, जैसे इम्यूनाइजेशन देख लेते हैं या वैक्सीनेशन, वैक्सीन वैक्सीन क्या करती है स्पेसिफिक प्रिवेंशन करती है, क्या करती है सर जी कोरोना का फर्स्ट साइन सिम्टम क्या होगा, कोरोना का फर्स्ट साइन सिम्टम भी बताएंगे आपको याद रखना, फर्स्ट और सेकंड फीवर, दूसरा होता है कफ, सबसे ज्यादा फीवर देखा गया जितने भी केस देखे गए वो भी ओनली 5% केस क्रिटिकल होते हैं, 14% क्या होते हैं मॉडरेट मान सकते हैं, मॉडरेट मान सकते हैं या सीवियर मान सकते हैं, 5% क्रिटिकल 14% मॉडरेट सीवियर और 81% में नो साइन सिम्टम होते हैं। तो इन्हीं लोगों में जो रिसर्च की गई थी उसमें देखा गया था फर्स्ट क्या होगा फीवर एंड सेकंड क्या होगा कफ होगा, फर्स्ट क्या होगा फीवर होगा और सेकंड क्या होगा कफ होगा। हाँ अगर टेस्ट में पॉजिटिव आ गया है पॉजिटिव पर्सन है तो उसको आइसोलेशन किया जाता है, अगर पॉजिटिव ही नहीं है अब आप कैसे बता सकते हो कि वो पर्सन पॉजिटिव है, आप नहीं बता सकते ना वो पर्सन पॉजिटिव है, आपको क्या बता, अभी जैसे फ्लू साइन सिम्टम भी चलते हैं दूसरे फ्लू साइन सिम्टम भी चलते हैं, फीवर तो नॉर्मल कंडीशन कैसी कंडीशन में भी आ सकता है, तो अपन ये नहीं कह सकते कि वो कोरोना के कारण ही आ रहा है फीवर, कब कोरोना के कारण ही आ रहा है, पूरा करेंगे टॉपिक डोंट वरी अच्छे से बताएंगे, सारी कंफ्यूजन दूर होने चाहिए नरेंद्र जी, सारे कंफ्यूजन दूर होने चाहिए सभी पर्सन का तभी सिलेक्शन होगा, हर चीज छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज अपन को देखनी है यहाँ पे। इसमें सिर्फ प्रिवेंशन क्या देखा था वैक्सीनेशन, क्या देख लिया वैक्सीनेशन, कॉन्ट्रासेप्टिव, बेड नेट, मॉस्किटो क्रीम, मॉस्किटो क्रीम, वैक्सीन, कॉन्ट्रासेप्टिव, बेड नेट, मॉस्किटो क्रीम और अगला हेलमेट, ये क्या स्पेसिफिक प्रिवेंशन करते हैं, जैसे वैक्सीन क्या करती है स्पेसिफिक प्रिवेंशन करती है, कोई सी भी वैक्सीन आ गई क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको क्या वैक्सीन का नाम दिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा ये कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में, तो अपन को क्या वैक्सीनेशन स्पेसिफिक प्रिवेंशन करती है तो आएगा प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा भाई, कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे बेरियन मेथड हो गए, कोंडोम हो गए, डायप्राम हो गया, फीमेल कोंडोम हो गया, ये क्या काम करते हैं, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होने से रोकते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होने से रोकते हैं, अगर कॉन्ट्रासेप्टिव बेरियन मेथड आ गया तो वो किसमें आएगा प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा, किसमें आएगा प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। बेड नेट्स एंड मॉस्किटो क्रीम क्या करती है, मॉस्किटो क्रीम एंड बेड नेट्स अपन को जैसे मलेरिया डेंगू मच्छर काटने से बचाती है, जिसके कारण मलेरिया डेंगू कंडीशन हो सके तो उसको रोकेगी स्पेसिफिक प्रिवेंशन करेगी। हेलमेट्स क्या करेगा, हेलमेट पहनेंगे तो हेड इंजरी के चांस कम हो जाएंगे, एक्सीडेंट के चांस कम हो जाएगा, यानी स्पेसिफिक प्रिवेंशन करेगा, वो आएगा प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में, क्या आएगा प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा। इतना समझ में आ गया ना, और एक वर्ड है कीमोप्रोफाइलेक्सिस, कीमोप्रोफाइलेक्सिस किस में आता है जल्दी से आंसर दो, ट्यूबेक्टोमी क्यों कर रहे हैं उसमें भी डिपेंड है, जैसे वो क्योंकि पूरा का पूरा अपन को क्या करेगा रोक देगा उसको, तो ट्यूबेक्टोमी अपन क्या कर रहे हैं किस लिए करें उस वजह से भी अपन देख सकते हैं प्राइमरी आएगा या सेकेंडरी आएगा, हम सर किस वजह से कर रहे हैं अपन,
कंडीशन रहेगी। आप ये बताओ कीमोप्रोफाइलेक्सिस किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है, जल्दी से बताओ कीमोप्रोफाइलेक्सिस कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है। कीमोप्रोफाइलेक्सिस जहां पे भी वर्ड दिखे, कीमोप्रोफाइलेक्सिस या प्रोफाइलेक्सिस वर्ड, वो आएगा प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। क्योंकि इसमें माना कि ड्रग दी जाती है, माना कि विटामिन ए टेबलेट दी जाती है या कुछ न्यूट्रिशन टेबलेट दी जाती है, लेकिन ये क्या करती है, ड्रग जो टेबलेट दी जाती है वो डिजीज होने से पहले दी जाती है, डिजीज होने से पहले टेबलेट दी जाती है जो क्या करेगी, डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। कीमोप्रोफाइलेक्सिस का मीनिंग क्या होता है, एनी ड्रग या डोज जो दी जा रही है वो किसको प्रिवेंट कर रही है, डिजीज होने से प्रिवेंट कर रही है। मेडिकेशन मान लिया सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में है, लेकिन ये क्या कीमोप्रोफाइलेक्सिस क्या करती है, डिजीज होने से पहले दी जा रही है, यानी उसको प्रिवेंट करने के लिए दी जा रही है। जैसे कि हाइड्रोक्लोरोक्विनोन दी जाती थी कोरोना पेशेंट, मतलब ना हो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को दी जाती थी कि जिससे उनको कोरोना नहीं हो, यानी मेरे में डिजीज नहीं है, मेरे प्रिवेंट करने के लिए दी गई है, मुझे प्रिवेंट करने के लिए जो भी दे रही है डिजीज को, वो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा, याद रखना। ये ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, ट्रीटमेंट नहीं है अमम सर, ये प्रिवेंशन कर रहा है। ट्रीटमेंट तो मैं कहता कि मेरा ये चीज हो गई है, कोरोना हो गया है, तो उसका ट्रीटमेंट जो चल रहा है स्पेसिफिक वो होगा, लेकिन इसमें ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें प्रोफाइलेक्सिस कर रहे हैं किस चीज का, किसी भी कंडीशन का, किसी भी कंडीशन को होने से प्रोफाइलेक्सिस कर रहे हैं। याद रखना इसको प्रिवेंट करने के लिए, डिजीज प्रिवेंट नहीं हो इसलिए कर रहे हैं अपन, मतलब डिजीज प्रिवेंट हो, उसमें डिजीज डेवलप नहीं है, उसके बाद में उसको ड्रग देंगे जिससे वो कंडीशन नहीं हो सके उसको। अगर कोई डिजीज है तो अपन ट्रीटमेंट देते हैं कोई सा भी, वो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा, याद रखना। ये छोटे छोटे जो चीजें बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है। अगर लेवल ऑफ प्रिवेंशन में अभी भी कंफ्यूजन हो गया, फिर कभी भी आपका सोल आउट नहीं होगा, तो ये अभी याद रखना आपको। हाँ सोम प्रभा जी, प्रोपोलिस का मीनिंग यही होता है कि डिजीज नहीं हो उसके प्रिवेंट करने के लिए जो मेडिसिन दी जा रही है या अपन कुछ न्यूट्रिशन टेबलेट दी जा रही है, वही है इसका प्रोपोलिसिस का अर्थ। सीपीआर को क्या मानेंगे, सीपीआर को अपन सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन भी मान सकते हैं, अगर वो लेट स्टेज में है, अगर ज्यादा उसका एक्सीडेंट हो रखा है तो उसको टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में भी मान सकते हैं। क्या किसी को पर्सन को डिजीज है, मान लो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, कुछ भी कंडीशन है उसको, डिजीज कंडीशन है, बाद में ज्यादा ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हुए फिर वो क्या ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ गया उसमें, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन, जो भी कॉम्प्लिकेशन वर्ड है, अगर कॉम्प्लिकेशन वर्ड प्रिवेंट कर रहे हैं तो आएगा सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में, अगर कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो गया जिसके कारण सीपीआर की जरूरत पड़ रही है तो वो टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा। कोरोना में कौन सी मेडिसिन प्राइमरी में आएगी, हाइड्रोक्लोरोक्विनोन जो अगर कीमोप्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज कर रहे हैं तो वो किसमें आएगा, कीमोप्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज कर रहे हैं तो वो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा। अगर ड्रग दे रहे हैं कुछ या प्लाज्मा थेरेपी दे रहे हैं उसको ट्रीट करने के लिए, तो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा। हाँ कीमोथेरेपी अपन सेकेंड लेवल ऑफ प्रिवेंशन में मान सकते हैं, क्योंकि सेकेंड ट्रीटमेंट चल रहा है उसका अच्छे से, कीमोथेरेपी का अर्थ। दिनेश जी राइट आंसर है, मैंने बता दिया था ना, बेड नेट्स, हेलमेट्स, कॉन्ट्रासेप्टिव, वैक्सीनेशन के बारे में बता दिया। अब आगे देखते हैं अपना टॉपिक, सही है।
सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। लेवल ऑफ प्रिवेंशन, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का अर्थ क्या होता है? जैसे प्रिमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, अपन ने क्या देखा था उसमें, क्या था, रिस्क फैक्टर डेवलप नहीं था, उसको रोक रहे थे। प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में अपन क्या देख रहे थे, वाइटल साइंस अगर चेक कर रहे डॉक्टर से, यानी चेकअप आ गया, स्क्रीनिंग हो गई, वो एक तरह से क्या हो गई, स्क्रीनिंग हो गई, वो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा। अभी बता रहा हूँ, रुको थोड़ा सा वेट कर लो, बस सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा वो चीज भी तो आपको बतानी है। उसी के लिए सीएचओ के लिए अच्छी बुक आपको बता दी जाएगी, लेकिन सीएचओ का आपका सारा कोर्स यही पे करा दिया जाएगा, तो अच्छी बुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, डोंट वरी। डिजीज का स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है। सही है मम सर, आपका राइट आंसर है। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का अर्थ क्या होता है, उसमें डिजीज है, एक एक वर्ड सुनना मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, वो एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, उसमें डिजीज है और उसके अलावा अर्ली स्टेज में डिजीज है, याद रखना। अगर क्वेश्चन में पूछ ले अर्ली स्टेज डिजीज कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आती है और लेट स्टेज डिजीज कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आती है, लेट स्टेज का बाद में बात करेंगे, अभी अर्ली स्टेज का बात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अर्ली स्टेज की बात कर लेते हैं। उसमें डिजीज डेवलप है, लेकिन डिजीज किस लेवल में, अर्ली स्टेज में, किसमें, अर्ली स्टेज में है। अगर वो अर्ली स्टेज हो गई और उसके अलावा उसमें है ना क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं कॉम्प्लिकेशन को, इसमें क्या होता है, प्रिवेंशन कर रहे हैं कॉम्प्लिकेशन का। अगर कॉम्प्लिकेशन लेट स्टेज हो गई तो कॉम्प्लिकेशन उसमें डेवलप हो गया, इसमें क्या करना है अपन को, प्रिवेंट करना है कॉम्प्लिकेशन को। डिजीज हो गई डेवलप, अर्ली स्टेज है डिजीज का, प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन। और इसका ऐसे भी बोल सकते हैं अर्ली पैथोजेनिक स्टेज, अर्ली पैथोजेनिक स्टेज। क्वेश्चन क्या पूछा गया, ये देखो क्या पूछ लिया था उन्होंने कि पैथोजेनिक स्टेज कौन कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन से मिलकर बनी हुई होती है, तो जल्दी से बताओ मुझे पैथोजेनिक स्टेज कौन कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन से मिलकर बनी हुई होती है, जल्दी से आंसर दे दो, जल्दी से कौन कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन से मिलकर बनी हुई है पैथोजेनिक स्टेज, क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे आंसर दो जल्दी जल्दी। जितने भी है सारे आंसर देना सभी को, और ये वीडियो खत्म होने के बाद में इसको इतना शेयर करना है कि सभी लोगों तक पहुंचे, जो सीएचओ कोर्स करना चाहते हैं फ्री में उनके लिए पहुंचे, कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट चला रहे हैं पेड़ चला रहे होंगे, लेकिन अपन फ्री कोर्स चलाएंगे, आप डोंट वरी, सारे के सारे जितने भी सिलेबस है वो सारा का सारा बताएंगे आपको। जल्दी से आंसर दो सभी, चलो ठीक है, काफी लोगों का सही आंसर है, काफी लोगों का रॉन्ग आंसर है। पैथोजेनिक स्टेज अगर पूछ ले डायरेक्ट तो वो आएगा सेकेंडरी एंड टर्शियरी, यानी सेकेंडरी ऐसे लिखना पड़ेगा एंड टर्शियरी, टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन आएगा अगर डायरेक्ट पूछ ले पैथोजेनिक स्टेज, सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अगर अर्ली स्टेज पूछ ले, अर्ली स्टेज पूछ ले तो अपन को क्या कहना, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, और लेट स्टेज पूछ ले पैथोजेनिक स्टेज की तो वो आएगा टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। इसमें आएगा अगर अर्ली पूछ लिया तो वो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में, लेट पूछ लिया तो टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में, अगर पैथोजेनिक स्टेज पूछ ली तो सेकेंडरी प्लस टर्शियरी दोनों लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगी। तो अपन आगे का देख लेते अपना, ये क्या अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज हो गई, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन हो गया, या अर्ली पैथोजेनिक स्टेज हो गई, अर्ली पैथोजेनिक स्टेज होगी, अपन ने देख लिया था इसमें क्या होगा, डिजीज है, ये चीजें हैं। अगर
डायग्नोसिस कर रहे हैं, डायग्नोसिस कर रहे हैं या ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अगर ट्रीटमेंट में भी अर्ली, तब मैं अर्ली डायग्नोसिस है, अर्ली ट्रीटमेंट याद रखना वर्ड, वो भी पूछा जाएगा, अर्ली डायग्नोसिस अर्ली ट्रीटमेंट। वैसे डायग्नोसिस वर्ड जहां पे भी मिले, ट्रीटमेंट वर्ड जहां पे भी मिले, वो क्या आएगा, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा। अगर डायरेक्ट वर्ड दे दिया तो ट्रीटमेंट दे दिया और अर्ली डायग्नोसिस दे दिया, डायग्नोसिस वर्ड दे दिया या कोई सा टेस्ट का नाम दे दिया, क्वेश्चन आपको किस प्रकार पूछा जाएगा, वो टेस्ट का नाम देगा आपको, जैसे विडाल। अब मुझे बताना, सिक टेस्ट ये किसके लिए किया जाता है, आप जल्दी से जल्दी आंसर दो, विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है, सिक टेस्ट किसके लिए किया जाता है। अगर टेस्ट वर्ड का नाम दे दिया तो वो किस में आएगा, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा। अगर स्क्रीनिंग आ गई, आप जल्दी से आंसर लिखो तब तक, अगर स्क्रीनिंग वर्ड आ रहा है, जैसे ब्रेस्ट सेल एग्जामिनेशन हो गया या कोई स्क्रीनिंग करें खुद की, वो किस में आएगा, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। चलो जल्दी जल्दी आंसर दे दो, जल्दी जल्दी जितना हो सके। सही आंसर है लगभग लगभग सभी का, विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए। वही सिक टेस्ट किसके लिए किया जाता है, डिप्थीरिया के लिए, डिप्थीरिया के लिए किया जाता है सिक टेस्ट। याद रखना, अगर वर्ड वो क्या पूछेंगे, ये टेस्ट डायरेक्ट नाम दे देगा, विडाल टेस्ट कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में, सिक टेस्ट कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में, तो आएगा सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। क्या आएगा, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन आएगा। और याद रखना, स्कूल हेल्थ चेकअप प्रोग्राम है, क्या है, स्कूल हेल्थ चेकअप, लिख लो ऐसे का ऐसा ही, स्कूल हेल्थ चेकअप। और मोस्टली मैं वर्ड याद रखना, मैं क्या बोल रहा हूं, मोस्टली जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है, मोस्टली याद रखना, सारे नहीं बोल रहा, मोस्टली बोल रहा हूं, मोस्टली जितने भी हेल्थ प्रोग्राम है, ज्यादातर नेशनल वाले वो किस में आएंगे, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएंगे। क्योंकि क्यों आएंगे, क्योंकि वहां पे डिजीज मौजूद रहती है, डिजीज को या तो कंट्रोल किया जाता है, डिजीज को इरिडिकेशन किया जाता है या एलिमिनेशन किया जाता है डिजीज का। याद रखना, मोस्टली आएंगे। और स्कूल चेकअप वाले किसमें आएंगे, इसमें आएंगे। और अपन ने पढ़ लिया था दो चीजें, तो पढ़ ली, प्रिवेलेंस डायरेक्ट वर्ड दे, आइसोलेशन कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डाटा थे सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का, समझ में आया ना सभी को। समझ में आ गया ना सभी को लेवल ऑफ प्रिवेंशन। हेलमेट वेयरिंग है, सीट वेयरिंग, वो कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा, मैंने बता दिया था रामदास जी, हेलमेट कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा। सीट किस लिए की जाती है, प्रिवेंट कर की जाती है, एक्सीडेंट बचने के लिए, अपन को ज्यादा इंजरी नहीं हो, एक्सीडेंट नहीं हो, उसके लिए की जाती है, तो कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा। एक्सीडेंट क्या हो गई, डिजीज हो गई अपनी, एक्सीडेंट हो गई डिजीज, डिजीज, तो इसको प्रिवेंट कर रहे हैं, तो कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आना चाहिए, आप ही बता दो मुझे, उसको प्रिवेंट कर रहे हैं डिजीज को। ओवरव्यू मैं बाद में बता दूंगा आपको, पूरा का पूरा जब टर्सरी हो जाएगा उसके बाद में ओवरव्यू करा दूंगा एक बार वापस। पेप्सिमर, मैंने बोला ना पेप्सिमर क्या कहता है, टेस्ट किया जाता है किसके लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए, डिटेक्शन के लिए, तो कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा। मैंने बोला था टेस्ट का नाम भी दे दिया, तो कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आना चाहिए। अर्ली का बताओ, अर्ली बता दिया ना, अर्ली डिजीज है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है डिजीज में, अर्ली स्टेज है, कॉम्प्लिकेशन बाद में कर सकती है, कोई भी डिजीज ज्यादा देर तक रहेगी तो वो कॉम्प्लिकेशन करेगी, तो उसी चीज को अगर कॉम्प्लिकेशन को रोकना है, डिजीज अर्ली स्टेज में ये शुरू शुरू बात में आई है, उसके साइन सिम्टम आई है, थोड़ा वो ट्रीटमेंट लेके वो सही हो सकती है, अगर उसका वहां ट्रीटमेंट नहीं किया आगे जाके वो ज्यादा कंडीशन क्रिएट करेगी।
जैसे कैटरेक्ट, मान लो कैटरेक्ट डिजीज हो गई अपने अर्ली स्टेज में, अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो क्या होगा, ब्लाइंडनेस होगा, क्या होगा, ब्लाइंडनेस होगा, तो ब्लाइंडनेस यानी कॉम्प्लिकेशन हो गया उसका, तो अपन को अर्ली स्टेज है वो, एक तरह से वो चीज अपन को देखना है। पेप्सिमर सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा, सही आंसर। इतना समझ में आ गया ना, प्राइमरी, प्रिमोर्डियल एंड सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अब अपन क्या देखेंगे, टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन देखेंगे, क्या देखेंगे, टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन देखेंगे। इन्वेसिव डायग्नोसिस प्रोसीजर, जितने भी डायग्नोसिस प्रोसीजर है वो किसमें आएंगे, मैंने बोला था डायग्नोस वर्ड आ गया जहां पे भी, अब अपन देखते हैं टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, क्या देखते हैं, टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। सही है आपका आंसर, सेकेंडरी डायग्नोस वर्ड, ट्रीटमेंट वर्ड, टेस्ट का नाम, स्क्रीनिंग। मोस्टली अगर इम्यूनाइजेशन मतलब कुछ पूछ ले नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, वो किसमें आएंगे, किसमें आएंगे, मोस्टली किसमें आएंगे, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। एनी इन्वेस्टिगेशन बताया तो था, कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो, स्क्रीनिंग हो, सब कुछ, कोई कुछ भी हो, वो किसमें आएगा, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा। अगर मान लो हॉस्पिटल में अपन क्या कर रहे हैं, किसी पेशेंट का शुगर आरबीएस चेक कर रहे हैं, तो कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। क्यों, कि वहां स्क्रीनिंग हो रही है, स्क्रीनिंग हो रही है हॉस्पिटल में, वहां पे यानी उसको डिजीज है, डिजीज है। अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, किस प्रकार पूछा जाए, अगर किसी बंदे को डिजीज थी, मतलब डिजीज थी, फिर उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट हुआ, ट्रीटमेंट हो गया वहां हॉस्पिटल में, उसके बाद में उसको घर पे होम पे फॉलोअप के लिए बोल दिया, और उसके बाद में क्या बोला उसको, कि आपको रेगुलर अपन का चेक करते रहना है, कि बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, वो अपन को चेक करते रहना खुद के थ्रू, यानी ट्रीटमेंट हो गया उसका, कंप्लीट हो गया, उसके बाद में घर पे भेज दिया कि आपको घर पे ही अपन शुगर चेक करना है। अगर वो खुद चेक कर रहा हो बाद में, रेगुलरली वो खुद चेक कर रहा है, सेल्फ मॉनिटरिंग, क्योंकि हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होने के बाद का प्रोसीजर वो आएगा टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में, टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में, क्योंकि उसको फॉलो अप रिहैबिलिटेशन सर्विसेज के अकॉर्डिंग बताया गया उसको, ठीक है ना। अपन देखेंगे टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, अगर फिर भी डाउट है तो एक बार ऑफिस क्लास देख लेना, ये कि यही, फिर अगर फिर भी डाउट रहा तो फिर क्या ही कह सकते, इतना समझाने के बाद में भी। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बनेंगे जो पढ़ाए इसके बाहर नहीं जाएंगे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। रिहैबिलिटेशन अपना किसमें आएगा, किसमें आएगा, टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा। वेलकम आसिफ जी। अपन टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या होता है, लेट स्टेज ऑफ डिजीज, लेट डिजीज या लेट स्टेज ऑफ डिजीज होती है, क्या होती है, लेट स्टेज ऑफ डिजीज होती है। उसके अलावा लेट पे तो जनिक स्टेज होती है, लेट पे तो जनिक स्टेज होती है, उसके अलावा क्या होता है, इसमें कॉम्प्लिकेशन होता है, लेकिन क्या आ रहा है, याद रखना क्यों, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, अगर प्रिवेंट करे कॉम्प्लिकेशन को तो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा। किसमें आएगा, कीमोथेरेपी सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा, विनय जी। हाँ, इसमें ये चीजें बताएंगे अभी हम सर, सारी चीजें बताएंगे आपको, कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं एक, और एक करें मिनिमाइज। तो अब बताओ मुझे, प्रिवेंट कर रहे हैं वो कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा, जल्दी से बताओ, प्रिवेंट कर रहे हैं वो कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा, कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं और यहाँ कॉम्प्लिकेशन को मिनिमाइज कर रहे हैं, यानी कॉम्प्लिकेशन है उसमें डेवलप है, तो जल्दी से बताओ क्या बताना है आपको, कैसे बताना है आंसर, पी करके बताना है, राम करके बताना है, पी करके उसका आंसर लिख दो आगे, सेकेंडरी या टर्शरी, एराम करके सेकेंडरी या टर्शरी लिख देना, ये मत लिखना सेकेंड एंड थर्ड,
सेकंड एंड थर्ड कोई नहीं लगेगा, क्योंकि प्रिमोडियल को अपन फर्स्ट मानते हैं, इसको फर्स्ट वाला मानते हैं, फिर प्राइमरी को सेकंड मानते हैं, तो अपन को ऐसे नहीं लिखना सेकंड एंड थर्ड, याद रखना। इसको सेकेंडरी लिख कर इसके सामने लिख दो, पीके अगर हो तो एस लिख दो, टी हो तो टी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। आंसर दो जल्दी से, ठीक है? काफी लोगों का आंसर राइट है, प्रिवेंशन कर रहे हैं। अभी तो देखा था मैंने डेफिनेशन में, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन की डेफिनेशन में क्या दे रहा देखा था, प्रिवेंशन कर रहे हैं कॉम्प्लिकेशन को, तो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा। अगर उसको कॉम्प्लिकेशन हो गए हैं तो इस लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या कर सकते हैं अपन, उस कॉम्प्लिकेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा, कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा? टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में, टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा। मिनिमाइज करें कॉम्प्लिकेशन को, क्या करें? मिनिमाइज करें कॉम्प्लिकेशन को, तो वो टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा। समझ में आया इतना? इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो इंपेयरमेंट होती है, जो डिसेबिलिटी होती है, उसको अपन को क्या करना, रिड्यूस करना होता है। क्या करना होता है? रिड्यूस करना होता है। रिड्यूस द इंपेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी, ये क्या है? कॉम्प्लिकेशन है। इंपेयरमेंट और डिसेबिलिटी क्या हो गया? कॉम्प्लिकेशन हो गया। उसको अपन को क्या करना है? रिड्यूस करना है। क्या करना है? रिड्यूस करना है। अब कोई बता सकता है मुझे इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप में अंतर क्या क्या होता है? पहले सबसे पहले बताओ इंपेयरमेंट का मीनिंग क्या होता है, जल्दी से बताओ। इंपॉर्टेंट लाइन है, कम्युनिकेबल डिजीज में आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, कम्युनिटी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, और सारे क्वेश्चन अपन डाउट क्लियर करेंगे यहीं पे। जल्दी से बताओ, झंझट होना, अच्छा झंझनाट होना किसका अर्थ है? इंपेयरमेंट का। किसी भी पार्ट को रिमूव करना, और दूसरा बताओ डिसेबिलिटी का जल्दी से। डिसेबिलिटी का मीनिंग क्या होगा फिर, ये बताओ, और हैंडीकैप का मीनिंग क्या होता है, जल्दी से बताओ। फिर मैं बताऊंगा मीनिंग क्या होता सबका। डिसेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, पहला इंपेयरमेंट का मीनिंग क्या होता है, डिसेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, और हैंडीकैप का मीनिंग क्या होता है। ये इतना लिख लिया ना सभी ने, मिटा देता हूं फिर। नहीं लिखा तो वापस एक बार देख लेना वीडियो, अच्छे से समझ में आ जाएगा सारे टॉपिक, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा आज। इंपेयरमेंट, दूसरा हो गया अपना डिसेबिलिटी, और थर्ड हो गया अपना क्या हो गया, हैंडीकैप। अब देखो इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप। इंपेयरमेंट का मीनिंग क्या होता है? इंपेयरमेंट का मीनिंग होता है कोई भी फिजियोलॉजिकल, यानी हार्ट टूट गया, पेट टूट गया, किसी प्रकार का लॉस,
साइकोलॉजिकल भी लॉस हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, किसी प्रकार का भी लॉस हो रहा है, फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल साइकोलॉजिकल लॉस हो रहा है बॉडी का, तो वो आएगा इंपेयरमेंट में। फिर इंपेयरमेंट के कारण जो एक्टिविटी नहीं कर पा रहा, यानी हार्ट टूट गया, यानी उसका मान लो हैंड लॉस हो गया, तो वो लिख नहीं पाएगा, खाना नहीं खा पाएगा, उसके कारण जो हो रही है कंडीशन सर्टेन, एक्टिविटी नहीं कर पा रहा जो रेगुलर एक्टिविटी करता था, तो आएगा डिसेबिलिटी में, और उन्हीं एक्टिविटी के कारण उसको क्या डिसएडवांटेज मिल रहा है, डिसएडवांटेज मिल रहा है। किस प्रकार का डिसएडवांटेज मिलेगा, या तो उसकी शादी नहीं होगी, मैरिज मान लो शादी नहीं होगी, या उसको जॉब नहीं मिलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, ये हो गया डिसएडवांटेज। तो वो आएगा हैंडीकैप में, किसमें आएगा, हैंडीकैप में आएगा। बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है, अपन क्या मान लिया बाइक से एक्सीडेंट को, भावे जी यहाँ पे और देख दिखा देता हूँ, डिजीज मान लिए उसको, डिजीज मान लिए, क्या हो गया डिजीज मान ली, जिसके कारण क्या होगा एक्सीडेंट हुआ उसका, एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद में इंपेयरमेंट क्या होगा उसका, एनाटॉमिकल लॉस हो गया, मान लो लॉस ऑफ फिट, फिट या हैंड कुछ भी मान लो, या तो हाथ या पैर का उसका लॉस हो गया, एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल किसी प्रकार का लॉस हो सकता है, उसके कारण क्या सर्टेन एक्टिविटी यानी डिसेबिलिटी का अर्थ होता है जो डेली लाइफ में एक्टिविटी कर रहा है वो उसकी लॉस हो जाना, यानी वो नहीं कर पाता, यानी वो वॉक नहीं कर पाएगा, राइट नहीं कर पाएगा, ईट नहीं कर पाएगा, रन नहीं कर पाएगा, ये सारी एक्टिविटी उसकी नहीं हो पाती, तो वो किस में आएगा डिसेबिलिटी में आएगा। वही डिसेबिलिटी के कारण क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है उसको, मैरिज हो गई, जॉब हो गई, या कम्युनिटी में लोग उसको है ना ऐसे बुरी नजरों से देखते हैं कि इसका ये क्या है, क्या कहते हैं दयनीय है, क्या बोलते हैं हिंदी में वर्ड भूल गया मैं उसको, निर्दय भाव से मान लो निर्दय, या उस पर दया दिखा रहे हैं, वो उसके डिसएडवांटेज है, यानी उसको हैंडीकैप्ट कहेंगे, वहां पे उस पर लोग दया दिखा रहे हैं, बेचारा समझ रहे हैं उसको, ये हो गया इसके, क्या हो गया एक्सीडेंट डिजीज हो गया इंपेयरमेंट, यानी एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल लॉस ऑफ, डिसेबिलिटी का अर्थ क्या होता है जो एक्टिविटी करता है उसके कारण अफेक्टेड होगी वो एक्टिविटी और वो नहीं कर पाएगा, उन्हीं एक्टिविटी के कारण क्या होगा उसको डिसएडवांटेज मिलेगा, मेरी जॉब जो भी होगा उसको डिसएडवांटेज मिलेगा, वो हैंडीकैप में आएगा। और इसमें क्या आता है रिहैबिलिटेशन, इसमें आता है टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है रिहैबिलिटेशन, किस प्रकार होगा रिहैबिलिटेशन का अर्थ क्या होता है, जल्दी से पहले आंसर दे दो मुझे, रिहैबिलिटेशन का अर्थ क्या होता है, जल्दी से आंसर दे दो, फिर उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो देखेंगे, डिजीज होने के बाद में नॉर्मल कंडीशन में आना, यानी उसको ऐसे ट्रेनिंग देंगे अपन, इस प्रकार की ट्रेनिंग देंगे जिससे वो क्या करेगा रिटर्न कर सकता है, कहाँ करेगा कम्युनिटी में हो गया या जॉब पे, जिससे जो पुरानी लेवल ऑफ फंक्शनिंग चल रही थी उसकी, क्या चल रही थी पुरानी लेवल ऑफ फंक्शनिंग, वो अपन को लाना है, यानी कहने का अर्थ क्या है ट्रेनिंग दिला के उसको ऐसी ट्रेनिंग देंगे जिससे वो रिटर्न कर सके, क्या रिटर्न कर सकेगा जो लेवल ऑफ फंक्शनिंग उसके पहले थी वहां तक उसको रिटर्न कराना है, जिससे वो कम्युनिटी या जॉब में अपन वापिस जा सकता है, ये रिहैबिलिटेशन होगा जो किसमें आएगा टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। और सर्जरी क्या आएगा इसमें आएगा, कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा, टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा सर्जरी, क्योंकि क्या सर्जरी किसके लिए की जाती है, अगर कॉम्प्लिकेशन हुआ उसको कम करने के लिए की जाती है, कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए सर्जरी की जाती है।
तो कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा? टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा। इतना समझ में आया ना सभी को? अब अपन मैं देखता हूं लास्ट एनसीबीआई की रिसर्च के अनुसार वाला भी अपन देख लेते हैं। इसको मिटा रहा हूं मैं। लेवल ऑफ प्रिवेंशन से इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका। अब आते हैं, याद रखना पहली चीज, अगर क्वेश्चन में पूछ ले कितने लेवल ऑफ प्रिवेंशन है तो चार ही करके आना, चार ही करके आना। पांचवा मैं बता रहा हूं आपको नॉलेज के लिए, पांचवा बता रहा हूं नॉलेज के लिए, एनसीबीआई की रिसर्च के अनुसार है वो। पांचवा बता रहा हूं, कोई बुक में भी नहीं है, अभी के पार्क में भी नहीं आया, ना किसी और बुक में आया है, विवेक जैन की बुक में, किसी भी बुक में नहीं आया अभी। क्वांटरी कौन सा है? क्वार्टनरी, क्वार्टनरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, जिसको फिफ्थ लेवल ऑफ प्रिवेंशन बोल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या करके आना आपको, याद है ना क्या करके आना आपको क्वेश्चन में? चार लेवल ऑफ प्रिवेंशन ही करके आना है। क्या करके आना? चार लेवल ऑफ प्रिवेंशन ही करके आना है। फॉलो अप के लिए बुला रहे हैं, यानी वो टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा, क्योंकि रिहैबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी उसको, वहां पर ट्रीटमेंट अपडेट किया जाएगा उसका। सर कोरोना में मास्क लगाना कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा? अब बता दो मास्क क्या काम करता है? मास्क, पीपी किट, ये क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? डिजीज होने से रोकेंगे। क्या होगा? नॉर्मल व्यक्ति लगा रहा है मास्क, किसके लिए? डिजीज ना हो उसको, डिजीज ना हो उसको। कौन सी डिजीज अभी चल रही है? कोरोना, मान लो कोरोना एनवायरमेंट में है सब जगह, कोरोना सब जगह, अगर मास्क हटाए तो कोरोना होने के चांस है। तो मास्क, पीपी किट जो भी आएगा वो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा। किसमें आएगा? प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा। साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी भी क्या? ट्रीटमेंट का पार्ट है। क्या है? ट्रीटमेंट का पार्ट है भावेश जी, ट्रीटमेंट पार्ट है। तो ट्रीटमेंट किसमें आएगा जल्दी से बता दो, ट्रीटमेंट किसमें आएगा? साइकोथेरेपी क्या? ट्रीटमेंट का पार्ट है। तो किसमें आएगा? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। सर्जरी का भी एक है, सर्जरी वर्ड डायरेक्ट आ गया तो आपको टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन ही करके आना है। अगर सर्जरी क्वेश्चन में उसने घुमा दिया, क्या घुमा दिया? मान लो किसी कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए सर्जरी कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए सर्जरी कर रहे हैं, तो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा। लेकिन जहां वर्ड आपको सर्जरी दिख गया, मेन डायरेक्ट वर्ड सर्जरी दिख गया, वो आएगा टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। अगर कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए आ रहा है तो वो आएगा सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है आपको याद रखना है, मिनिमाइज कॉम्प्लिकेशन हो रहा है या प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। मेजर माइनर सर्जरी ऐसे नहीं आएगा, अगर मेजर माइनर आ गया तो टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन करके आना आपको। अगर वहां वर्ड दे दिया कि किस चीज को प्रिवेंट कर रहा है, कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए अपन कर रहे हैं, तो कौन से में आएगा? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। आपको एक एक वर्ड देखना है, क्या वर्ड आ रहा है? लाइफ स्टाइल चेंज आ रही है या लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन आ रही है, कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंशन आ रहा है या कॉम्प्लिकेशन अपना मिनिमाइज आ रहा है, हर चीज देखना है अपन को। तो अपन देख क्वार्टनरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, क्या देख रहे हैं? क्वार्टनरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। क्वार्टनरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का अर्थ होता है, इसका एक नाम है प्रीमियम मम नोर, प्रीमियम नोर है इसका नाम। क्या नाम है? प्रीमियम नोर। इसका अर्थ क्या होता है? नो हार्म। इसका अर्थ क्या होता है? नो हार्म, यानी जो भी अपने जितने भी ट्रीटमेंट चला है, जितना भी अपना ट्रीटमेंट चला है, मतलब सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में या हॉस्पिटल में कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, हॉस्पिटल प्रोसीजर कर रहे हैं, तो उन प्रोसीजर की वजह से ओवर मेडिकेशन नहीं होना चाहिए पेशेंट, किसी प्रकार का हार्म नहीं होना चाहिए, नो हार्म होना चाहिए।
या कोई दूसरा प्रोसीजर नहीं करना चाहिए पेशेंट पे, यानी उसकी डिजीज कंडीशन से रिलेटेड नहीं हो, उस प्रिवेंट प्रोसीजर को अपन को रोकना है, यानी डिजीज कुछ और है, प्रोसीजर कुछ और कर रहे हैं, उस चीज को अपन को रोकना है, और मेडिकेशन नो हार्म और अदर प्रोसीजर को अपन को रोकना है। ये क्वार्टनरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा, किसमें आएगा, क्वार्टनरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा। ये हो गया अपने लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अब बताओ क्लास कैसी लगी, पहले सबसे पहले ये नॉलेज से पहले याद रखना है। अननेसेसरी प्रैक्टिस नहीं करनी उस पर, सही है, उसी को रोकता है क्वार्टनरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन अपना। अब आपको क्या करना है, अगर अच्छी लगी है क्लास तो सभी के साथ शेयर करना है, और इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना है चैनल को, और कमेंट करके बताना है आपको कैसी लगी क्लास। और जितने भी आपके दोस्त है तैयारी कर रहे हैं, फ्री में तैयारी करवा रहे हैं हम आपके लिए, 1 महीने का कोर्स लाए हैं जिसमें जितने भी टॉपिक होंगे, कम्युनिटी जो सिलेबस होंगे आपके, सारे के सारे आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे उसमें, बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेने आपको। बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेनी, जितना भी उसके सब सारे दोस्तों को, जितने भी आपके ग्रुप्स है, सारे दोस्त है, सबको शेयर करो वीडियो। ऐसी क्लास लाई जाएगी जिसमें जितने भी आपके कंफ्यूजिंग रहेंगे टॉपिक, इस टॉपिक से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा लेवल ऑफ प्रिवेंशन से। अगर बाहर भी गया तो वर्डिंग आएगी, वहां पे वर्डिंग आएगी, जैसे मिनिमाइज हो गया, कॉम्प्लिकेशन, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन आ गया, उसको देख के भी आपको हल करना है, क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, लेकिन इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा लेवल ऑफ प्रिवेंशन से, ठीक है। ओके, थैंक यू सभी को, जय हिंद, जय भारत। हाँ, एवरीडे आएगी क्लास, डोंट वरी, आपको बता दिया जाएगा। आपको टीएसएल, आपको तरुण सैनी लेक्चर ऐप डाउनलोड करना है, तरुण सैनी लेक्चर ऐप आपको डाउनलोड करना है, उस पर सारी अपडेट दी जाएगी आपको। नेक्स्ट क्लास के बारे में भी बता दिया जाएगा, जल्दी बता दिया जाएगा। अभी आप तरुण सैनी लेक्चर ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे आपको अपडेट मिलती रहेगी। वैसे 5:30 के आसपास होगी सर, बता रहे हैं 5:30 के आसपास होगी आपकी क्लास, और इस क्लास को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा।